नीरज डांगी के नाम पे बताया जा रहा है कि काफी एक विरोध था। कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान में एक दलित के बेटे को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने की हिम्मत तो करी। एमपी का जो अभी चल रहा है सियासी उठापटक, उसका फायदा उठाते हुए यहाँ एक माहौल बनाने की कोशिश है। अपने कुटुंबों को संभाले और कहीं ऐसा नहीं हो कि दूसरे का घर भेदने करने वाले लोग इनके घर में ही छेद हो जाए। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने कुछ इस तरह के बयान दिए, जो राजस्थान में कई मंत्री हैं वो नहीं सुनते हैं, वो भगवान से भी ऊपर हो रहे हैं, तो क्या मौका परस्ती है या वास्तव में असंतोष है? इस सरकार में बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने हमारा एक खाता नहीं खोला अभी तक विकास के कामों का, जनता के कामों का। नमस्कार, मैं छवि अवस्थी, स्वागत है आपका द एंगल में। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहचान उनके नाम से ज्यादा उनके काम से होती है। काम ऐसा कि लोगों की जुबान पे हमेशा उनकी कहीं ना कहीं एक तारीफ रहती है, क्योंकि वो जुड़े हुए जनता से रहते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिनसे हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। काफ़ी कुछ बातें होंगी, कुछ वो बातें भी होंगी जो आप जानना चाहते हैं। इन दिनों राजनीतिक काफ़ी कुछ चल रहा है, तो आप भी जानना चाहते होंगे राजस्थान में क्या चल रहा है, कई तरह की बातें उठ रही हैं, तो सारे सवालों के जवाब लिए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी विधायक बाबूलाल नागर साहब का। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, शुरुआत हल्के प्रश्न से ही करूंगी, क्योंकि घोषणाएं की गई हैं, काफ़ी कुछ दिया गया है आपके क्षेत्र को, क्या कहना चाहेंगे? इस बार का जो बजट है, और इस बार का ही बजट नहीं, पूरे सवा साल की जो अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल है, दो दो विधानसभा क्षेत्र के लिए एक तरह से वरदान साबित हुआ है। पिछली बार भी वो निर्णय किए बजट घोषणा में हमारे लिए दो दो क्षेत्र के लिए एक सरकारी कॉलेज, उप जिला अस्पताल, ब्लड बैंक, ये ग्राम पंचायत स्तर पर इस तरह की योजनाओं का आना अपने आप में एक मायने रखती है। बिल्कुल सर, वरदान के रूप में हो गया, काफ़ी विकास हुआ है। लेकिन अभी अगर हम बात करें, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करें, तो राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा नामांकन हो चुके हैं। नीरज डांगी के नाम पे बताया जा रहा है कि काफ़ी एक विरोध था अंदर, कुछ ऐसा विरोध बताया जा रहा है, क्या कुछ ऐसा था या फिर ये सिर्फ एक उड़ाई हुई अफवाह है, या क्या, किस तरह देखते हैं इस पूरे उसको? देखिए, जो राजनीतिक हथकंडे इस समय केंद्र सरकार के मुखिया, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, ये पूरे देश में इन्होंने इस तरह के हथकंडे अपना रखे हैं। लेकिन आप राजस्थान की तुलना आप मध्य प्रदेश से नहीं कर सकते हैं। राजस्थान तो वो राज्य है जहाँ पे करीब 24-25 विधायक ऐसे हैं, कुछ बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस ज्वाइन किया है, 13 विधायक ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, अन्य और जो समर्थन दे रहे हैं उनको हर हालत में राजस्थान में कांग्रेस का राज, हर हालत में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री चाहिए। तो जब वो सारे लोग मुख्यमंत्री जी के फेस को देखकर इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ये मुगरी लाल के सपने साकार नहीं होंगे। जहाँ तक नीरज डांगी का मामला है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कांग्रेस हाईकमान को कि कम से कम कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान में एक दलित के बेटे को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने की हिम्मत तो करी। आज पूरे राजस्थान के दलितों में मैसेज जा रहा है। इस बार पहले राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी यह हिम्मत करी थी राजस्थान में, एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को उन्होंने राज्यसभा में भेजा था, एक बैरवा समाज के भेजा था, और कांग्रेस पार्टी के लोग दलित समाज के लोगों को भेजने में राजस्थान में कंजूसी करते थे। हालांकि अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति भी राजस्थान में कांग्रेस ने भेजा है, लेकिन दलित समाज के लोगों को राज्यसभा में भेजने में हमेशा उनकी कंजूसी रही है। लेकिन भगवान ने सद्बुद्धि दी है कांग्रेस के नेताओं को, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सोनिया गांधी जी का, धन्यवाद देना चाहूँगा राहुल गांधी जी का, अशोक गहलोत जी का, सचिन पायलट जी का। तो कम से कम एक दलित के बेटे को, जिसने एक नौजवान लड़का है पूरे राजस्थान में, जिसने नौजवानों के लिए कांग्रेस के लिए काम किया है, तो ये केवल नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाने का मामला नहीं है, ये पूरे राजस्थान के नहीं, हिंदुस्तान के दलितों को ये एक मैसेज देने का भी एक निर्णय है कि कांग्रेस ने दलित समाज के व्यक्ति को राज्यसभा में अपना उम्मीदवार बनाया है। और जहाँ तक चौथा नामांकन जो
भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। इनके पास एक प्रत्याशी जिताने का पूरा सामान है। इसके अलावा ये जो ओछे अधगंटे अपना रहे हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी चला रखा है इन्होंने, तो ये मुंगरेलाल के सपने देख रहे हैं। राजस्थान में ये कामयाब नहीं हो सकते और राजस्थान में एक बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के अलावा भी ऐसे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर जीते हुए नहीं है, जो इंडिपेंडेंट जीते हुए, अन्य दल से जीते हुए, उन सबका समर्थन कांग्रेस पार्टी को है। और जब वो समर्थन ही अशोक गहलोत को फेस को दे रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ कोई इस तरह की कोई घटना घटित हो जाए, कामयाब हो जाए मध्य प्रदेश के जैसे। बिल्कुल, मेरा अगला प्रश्न यही था कि कल जो दृश्य देखा गया, लखावत साहब आखिर में पर्चा लेके खड़े थे और वो वहाँ गए, क्या ये मतलब बीजेपी ने, क्योंकि जिस तरह के बाद में जब उन्होंने पर्चा भर दिया उसके बाद विक्ट्री का साइन दिखाया गया पूनिया जी की तरफ से, लखावत साहब की तरफ से, क्या है कि मतलब ये लगता क्या है कि ये MP का जो अभी चल रहा है सियासी उठापटक, उसका फायदा उठाते हुए यहाँ एक माहौल बनाने की कोशिश है या फिर किस तरह की एक रणनीति हो सकती है? ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं सलाह देना चाहूंगा, हालांकि मुझसे कोई सलाह मांग नहीं रहा है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को भी सलाह देना चाहूंगा और राजस्थान के बीजेपी को नेताओं को सलाह देना चाहता हूं कि ये राजस्थान के अशोक गहलोत, जिसको लोग जादूगर कहते हैं, वो अपने कुटुंबे को संभाल के रखें। कहीं ऐसा नहीं हो कि भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए लोग हैं ना, वो भी अशोक गहलोत के फेस को देखकर, अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व को देखकर, कहीं वो लोग भी कांग्रेस के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, कहीं ऐसा उनकी पोल नहीं खुल जाए, ये दूसरे के जो गिरबान में झांक कर देखना चाह रहे हैं, कहीं इनकी गिरबान में कोई दूसरा नहीं देख ले जाए। तो मुझे तो लगता है बहुत से लोग पीछे दबी जबान से चर्चा करते हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे, इससे बढ़िया राजस्थान के लिए नहीं हो सकता, तो कहीं उनका अंदर से जमीर जग जाए और वो कोई अपनी पार्टी से, पार्टी के जो लाइन से हटकर, कहीं ऐसा नहीं हो कि इन कांग्रेस ने जो दो उम्मीदवार बनाए इनको अपना समर्थन देके वोट दे दे। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो मुंगरीलाल के सपने देख रहे हैं उनको बंद करें, अपने कुटुंबे को संभाल के रखें। जग जाहिर है राजस्थान में, आज जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का जो वजूद है अपनी पार्टी में, वो किसी भी भारतीय जनता पार्टी का नेता का वजूद राजस्थान में नहीं है। और वसुंधरा राजे जी को किस आशियों पे पहुंचा दिया इन लोगों ने, ये न वसुंधरा राजे से छुपा हुआ है और न राजस्थान की जनता से छुपा हुआ है। तो मैं तो इनको सलाह दे रहा हूँ, अपने कुटुंबों को संभालें और कहीं ऐसा नहीं हो कि दूसरे का घर भेदन करने वाले लोग कहीं इनके घर में ही छेद हो जाए। बिल्कुल, ये तो रही उनके कुनबे की बात, लेकिन अभी हाल फिलहाल कुछ ऐसी भी बातें आई जिसमें खुद कांग्रेस के कुछ विधायकों ने कुछ इस तरह के बयान दिए, जो राजस्थान में कई मंत्री हैं वो नहीं सुनते हैं, वो भगवान से भी ऊपर हो रहे हैं और हो सकता है कि मैं इस्तीफा दे दूं, उनका एक ये लाइन थी। तो क्या मौका परस्ती है या वास्तव में असंतोष है या फिर ये जो MP की सियासी रणनीति, जो राजनीति चल रही है उसी का फायदा उठाया जा रहा है, किस तरह देखते हैं ये जो माहौल बनाया जा रहा है या फिर क्या है ये? देखिए, राजस्थान में, राजस्थान की सरकार में कौन मंत्री बने हैं ये काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का है, उप मुख्यमंत्री जी का है, कांग्रेस हाईकमान का। अब कुछ लोग एक हल्के स्तर पर कुछ लोगों का मामूली असंतोष है कुछ मंत्रियों से। कई मंत्री तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी कांग्रेस के विधायकों का जो काम करने का प्रयास करना चाहिए उसका खाता ही नहीं खोला। अब हमारे लोग जो हमें जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं, इस सरकार में बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने हमारा ही खाता नहीं खोला अभी तक, विकास के कामों का, जनता के कामों का। तो मामूली हमें असंतोष हो सकता है, लेकिन जो गैप है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में जो गैप है, इसके अलावा वो लोग जो अपने हिसाब से चुनाव जीत कर आए हैं या दूसरे दल से जीत के आए हैं, उनका जो समर्थन है कांग्रेस को, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में और समर्थन वाले और कांग्रेस के विधायकों में इतना बड़ा गैप है कि राजस्थान में ऐसा दुस्साहस न तो कोई कांग्रेस का विधायक कर सकता है न कोई कांग्रेस का नेता कर सकता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, राजस्थान में पूरे 5 साल कांग्रेस का राज रहेगा, पूरे 5 साल राजस्थान
अशोक गहलोत की रहनुमाई में ये राजस्थान विकास करेगा, ये पक्का दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। और कोई भी विधायक या कोई भी पार्टी का नेता ऐसा दुस्साहस कर ही नहीं सकता, दुस्साहस करने का प्रयास भी करेगा तो उल्टे मुँह ऐसा गिरेगा कि उसको कहीं धरातल पर जगह भी नहीं मिलेगी रुकने के लिए। बिल्कुल, दुस्साहस राजस्थान में नहीं हो सकता, गहलोत साहब है यहाँ पे। लेकिन क्या इस जो अभी जो पूरी एक दृश्य चल रहा है, कई बार हम देखते हैं कि जैसे जो विधायक यहाँ राजस्थान में है, जयपुर में है एमपी के, तो उस दौरान मुख्यमंत्री साहब वहाँ जाते हैं, आधे आधे घंटे दो दो घंटे फोन पे बात करते हुए नजर आते हैं, पूरी जो कमान है पूरी अपने हाथों में ली हुई है अशोक गहलोत साहब ने। तो क्या राजस्थान के जो जादूगर हैं वो एमपी के लिए भी संकट मोचन बने हुए हैं इस समय? देखिए, जग जाहिर है पूरे हिंदुस्तान में अशोक गहलोत जी को लोग जादूगर ऐसे ही नहीं कहते हैं, वो कार्यकर्ताओं के, आम आदमी के दिलों पर भी राज करते हैं, वो उन लोगों के भी दिलों पर राज करते हैं जो सैद्धांतिक दृष्टि से, विचारधारा की दृष्टि से, जो कांग्रेस की विचारधारा से जिनका मेल नहीं खाता, पर उन लोगों के भी दिलों पर अशोक गहलोत जी राज करते हैं। और अशोक गहलोत जी में ये कुबुद है, उन्होंने साबित किया है, जब जब कांग्रेस हाईकमान ने विश्वास करके उनको कोई काम दिया है तो उसमें उन्होंने सकारात्मक रिजल्ट दिया है। इसलिए अशोक गहलोत जी की जो पुराना इतिहास है उससे मुझे ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भी अशोक गहलोत जी की जादू चलेगी और कहीं इनकी गिनती ऐसी उल्टी, जो इन्होंने एक तरह से अभी जो इनका पलड़ा भारी सा लग रहा है, कहीं ऐसा नहीं लगे कि इनका पलड़ा नीचे हो जाए और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाए। राजस्थान में लगातार बीजेपी दावे कर रही है, जैसे कि आपने साफ कर ही दिया कि राजस्थान में पूरी तरह निश्चिंत हैं, किसी तरह की कोई उठापटक नहीं हो सकती, लेकिन बीजेपी लगातार दावे कर रही है, किस बेसिस पे दावे कर रही है? डराने की कोशिश है या फिर सिर्फ एक वहां का फायदा उठाया जा रहा है, और उसे किस तरह, क्या लगता है कि कहीं बीजेपी को अपना खुद का नुकसान ना भुगतना पड़ जाए इस चक्कर में, कुछ ऐसा माहौल हो सकता है क्या? देखिए, आज 13 लोग हम इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़े हैं। ऐसा नहीं है कि जब कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों को टिकट नहीं दिया तो अन्य राजनीतिक पार्टियों का हमारे पास प्रस्ताव नहीं था, हमारे पास अन्य पार्टियों के नेताओं का भी प्रस्ताव था, उन लोगों ने हमसे संपर्क भी किया था, लेकिन हम विचारधारा से ही हमारी मेल नहीं खाती है भारतीय जनता पार्टी से। तो हम 13 में से 12-13 लोग तो ऐसे हैं, 13 के 13 ही मान लो, नहीं तो 12 लोग तो ऐसे ठोस लोग हैं कि जो हम निर्दलीय लड़ना हमने उचित समझा अपने अस्तित्व के लिए, लेकिन हम कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ना हमने उसको अस्वीकार किया। तो ऐसी स्थिति में जब चुनाव से पहले ही हमने इस प्रस्ताव से हम दूर रहे, तो अब तो हम जनता के जनादेश देकर हम लोगों को काम करने का मौका दिया है, तो अब तो ये संभावना ही नहीं हो सकती। हम लोग जो अपने क्षेत्रों में जीत कर भी आए ना, हम भी भारतीय जनता पार्टी के जनादेश के खिलाफ जीत कर आए, हमें कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया अपने किसी कारणों से, लेकिन जनादेश तो हमें उस सरकार के खिलाफ ही मिला था। राजस्थान की बात करें तो जैसे एमपी में रहा ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक बहुत ही पुराने नेता, 18 साल उन्होंने कांग्रेस को दिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी पार्टी बदली, एक विचारधारा बदली कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह कहा गया उन्होंने अपनी विचारधारा बदली, राजस्थान में भी कई वरिष्ठ नेता हैं, कईयों की तुलना की जा रही है उन्हीं से, सोशल मीडिया पे देखें तो कईयों की तुलना की जा रही है, कई तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। क्या लगता है कि राजस्थान में क्या कोई ऐसा है जो इस तरह की सोच रख सकता है कि अपनी विचारधारा बदल सकता है या कुछ अपने फायदे के लिए दूसरी तरफ जा सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश में 3-4 जिलों में वहां जब कभी कांग्रेस पार्टी सर्वाइव कर रही थी तब भी कांग्रेस पार्टी सर्वाइव कम कर रही थी और सिंधिया परिवार ज्यादा सर्वाइव कर रहा था। वहां 3-4 जिलों में तो सिंधिया ही कांग्रेस थे। इसलिए ऐसी स्थिति में जहां व्यक्तिगत रूप से उनका 4 जिलों में प्रभाव था, वो प्रभाव उनके काम आ गया। और वैसे भी राजा महाराजों की तो कोई पार्टी होती नहीं, ये पार्टी जो सलामत है 100 साल से ऊपर, यहाँ गरीब के किसान की खून पसीने से आज इसका गौरवशाली इतिहास है। और जिसने कभी पीड़ा नहीं देखी
उस पीड़ा का दर्द क्या होता है उसका अंदाजा नहीं हो सकता जिस मां ने कभी बच्चा पैदा नहीं किया। उस महिला को क्या पता कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो मां दूसरा जन्म लेती है। तो इसी तरह जो अपने दबदबे से, अपने परिवार से या अपने वजूद से, जो उनका पारिवारिक वजूद भी हो सकता है, जो उसकी दौर से आके जो यात्रा शुरू करते हैं, तो उनका तरीका अलग है। लेकिन जो लोग छोटे कार्यकर्ता के रूप में जुड़कर अपनी यात्रा शुरू करते हैं और उन्होंने बहुत चीज़ें समझी हैं, देखी हैं, और विशेष तौर से आपको मैं दावे से कह सकता हूँ, हम जो 13 लोग जो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े हैं, एकाध दो सदस्यों का तो मैं कह नहीं सकता जिनका प्रारंभिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, लेकिन हम 10-11 लोग तो ऐसे हैं जो कांग्रेस के सिंबल से चुनाव जीत कर आए हैं, उनसे ज्यादा भावना हमारी आज भी कांग्रेस के प्रति ज्यादा है। वो लोग जो सिंबल पर जीत के आए हैं वो कभी भी कांग्रेस के लिए छोटी मोटी कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन हमने तो कांग्रेस को मां का दर्जा दे रखा है, हम कभी भी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस को कमजोर करने वाले में कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा आखिरी प्रश्न है कि आपने जैसे बताया कांग्रेस आपकी माँ है, और एक वक्त आया था जब आपको भी थोड़ा सा एक आक्रोश मन में आया कि आपको टिकट नहीं मिला, आपने लेकिन दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की, आपने अपने जो आपके कार्य थे वो निर्वाह किए, उसके बाद जीतने के बाद आप दोबारा अपनी पार्टी से जुड़े। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम MP की तर्ज पर देखें, कई विधायकों का कहना है जो अभी यहाँ जयपुर में रुके हुए हैं, एक आपसी जो चर्चा चलती है वो ये चर्चा है कि अगर सिंधिया BJP में जाने की बजाय खुद की पार्टी बनाते तो ज्यादा बेहतर रहता, तो ज्यादा उनके साथ लोग जुड़ते। क्या ऐसा भी है कि दूसरी विचारधारा को अपनाने से अच्छा वो अपनी ही विचारधारा पे खड़े रह के अपने लिए खड़े रहते तो ज्यादा बेहतर रहता? देखिए, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि माधवराज ज्योतिराज सिंधिया जी ने जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, अगर इनके मन में कुछ पीड़ा थी, अगर इनको कुछ असंतोष था, तो अपनी कार्य योजना लेकर ये मैदान में आते। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से माधवराज सिंधिया जी का भी कांग्रेस में एक बहुत वर्चस्व रहा है, और ज्योतिराज सिंधिया जी का भी कांग्रेस में बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है, राहुल गांधी जी ने तो कहा है, मैंने कहीं पढ़ा है कि हिंदुस्तान में एक नेता अकेले ऐसे थे जो कभी भी राहुल गांधी जी के यहाँ घर आ जा सकते थे, तो इनका बहुत बड़ा स्थान था। कहीं ये वरुण गांधी की तरह बनके ना रह जाएं, कुछ ऐसा भी अंदेशा? निश्चित मानिए, आज भारतीय जनता पार्टी में कितने ही पॉलिटिकल पार्टियां समर्थन कर रही है, NDA सरकार को केंद्र में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां समर्थन कर रही, लेकिन देश में पूरी भारतीय जनता पार्टी में भी केवल दो ही तो नेता हैं, एक नरेंद्र मोदी जी, एक अमित शाह, तीसरा नेता का तो कोई मामला ही नहीं है। इसलिए ऐसे दौर में जब केवल चंद एक दो नेताओं का ही वर्चस्व रहे और उसके समकक्ष किसी का वर्चस्व ही नहीं रहे, तो वहाँ जो व्यक्ति जो इस सोच के साथ कि मेरा प्रदेश में मेरे हम लोगों की त्याग तपस्या है, हमारे परिवार का कुछ वहाँ के प्रति समर्पण है, और वो कह के अगर कहीं वहाँ शामिल होके गए हैं, तो उनको निश्चित रूप से क्षति पहुँचेगी, और वो दिन दूर नहीं कि वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी से टाटा करके आ जाएंगे वापस। बिल्कुल संभव है, क्योंकि कहा जाता है कि विचारधारा बदलना बहुत ही मुश्किल होता है, आप पार्टी बदल सकते हैं। कुछ ऐसे ही हालात अभी इस समय भारत में बने हुए हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है जब MP का घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से, कि राजस्थान में भी सत्ता पलट हो सकता है या विधायक तोड़े जा सकते हैं, लेकिन नागर साहब ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा यहां संभव नहीं है। बाकी आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या है, वक्त के गर्भ में क्या है, लेकिन अभी की जो स्थिति है और उसके अलावा जो विधायकों का विश्वास है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे, वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। नमस्कार।